लंबे वक्त से गर्दन की तकलीफ से परेशान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को आज यानी गुरुवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीएम ठाकरे मुंबई के सर एचएन अस्पताल फाउंडेशन में भर्ती थे, जहां हाल ही में उनकी सर्जरी भी की गई थी। सीएम ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे, हाल ही में उनकी एक इमरजेंसी सर्जरी की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी। वो इससे ठीक हो रहे थे कि अचानक उनके रीढ़ की हड्डी में रक्त के थक्के जमने की बात सामने आते ही डॉक्टर्स को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की बहुत तारीफ हो रही है। तारीफ इसीलिए हो रही है, सराहना इसीलिए की जा रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीमार होते हुए भी सर्जरी के बाद भी अपना फर्ज निभाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अस्पताल से ही मुख्यमंत्री का फर्ज निभाया। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गाइडलाइंस जारी किए। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैबिनेट बैठक बुलाई। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया। बीमार होते हुए ये फर्ज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निभाया। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भर्ती होने के बाद लगातार ये अटकलें तेज थी कि महाराष्ट्र का सीएम का कार्यभार अब कोई और संभाल सकता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ठाकरे डिस्चार्ज हो गए और वर्षा बंगले से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।